बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने हमें कहा था, जो प्लम्बर भाई है, जो टाइल्स बिठाने का काम करते हैं, जो वायरिंग का काम करते हैं, जिनको लेवल और जो बाटली लेवल का है, ऐसा कोई बहुत ही एकदम फ्रेम फोटो फ्रेम लगाने का काम होता है, उन लोगों ने 3 से 4 और उससे भी ज़्यादा व्यूअर्स ने हमें कहा था कि भाई लेज़र लेवलर का एक वीडियो बनाइए। उसी के चलते हुए हम हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही बजट फ्रेंडली एक लेज़र लेवलर लेके आए हैं, और ये रहा उसका बॉक्स, और ये रहा लेज़र लेवलर का अंदर का स्टैंड का बॉक्स, और जो मेरे पीछे यहाँ पर पड़ा हुआ है ये हमारा लेज़र लेवलर है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर चालू करके चार्ज करके कंप्लीट करके आपको लिए रख दिया है। तो पहले बॉक्स के अंदर क्या क्या आ रहा है वो मैं डिटेल बताऊंगा, स्टैंड के अंदर क्या क्या आ रहा है वो डिटेल बता दूंगा, और फिर मैं आगे का जो भी होगा वो मैं आपको डेमो करके और लाइन वगैरह लेज़र लगा के मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को और हमारे सारे वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट हमारा 1000 लाइक का है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा ये टारगेट पूरा कर देंगे, और वीडियो को अंत तक देखें, और ये सारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए किंग टूल सूरत का आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा यह जो मशीन है इसको मैं पहले निकाल के नीचे रख देता हूं, मैं आपके लिए मैंने पहले से इसको सेटिंग और कैसे इसको उपयोग करना है वो सब देखने के लिए यहाँ पर मैंने मशीन को असेंबल कर दिया था। ये जो बॉक्स है ये इसके स्टैंड का बॉक्स है, ये जो ट्राइपॉड आता है इसका बॉक्स है। बॉक्स के अंदर क्या क्या आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं आएगा, एक कवर आएगा जिसके अंदर ट्राइपॉड होगा, और उसके ऊपर कुछ डिटेल लिखी हुई है कितने लेंथ तक की इसकी लंबाई है। तो 1.2 मीटर तक की इसकी लंबाई है, मतलब ये 5 फीट तक का ये ऊपर तक जाएगा और खुल जाएगा, 5 फीट हाइट तक का ये कंप्लीट आपका जो लेज़र लेवलर है ये जा सकता है। स्टैंड के बॉक्स को हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं, और जो इसका लेज़र लेवलर है उसकी हम पेटी खोल लेते हैं, उसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको। मकूटी की ब्रांडिंग है, ये जो ब्रांड है मकूटी का है। हमारे व्यूअर्स हमें कहेंगे कि आप याटो के अक्सर वीडियो बना रहे हैं, इंको के वीडियो बना रहे हैं और दूसरी दूसरी कंपनियों के वीडियो बना रहे हैं, आज मकूटी का लेज़र लेवल कैसे आ गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मकूटी का लेज़र लेवलर है ये बहुत ही बजट फ्रेंडली लेवल लेवलर है। इसके अंदर क्या होगा कि ये आप खरीद भी पाएंगे और आप बहुत आसानी से इसको यूज़ भी कर पाएंगे, और यूज़ करने के लिए मैं पूरी तरकीब में आपको बता दूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर लेज़र लेवलर आ जाएगा, एक बैटरी यहाँ पर है एक्स्ट्रा की, और एक बैटरी मैंने इसमें लगा दी गई है जो मशीन के अंदर ही है, मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। ये बैटरी मशीन के अंदर लग जाएगी, ये ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है, और एक आपको चार्जर मिल जाएगा। ये बैटरी को चार्ज करना भी बहुत आसान है, इसके अंदर ही आप लगा देंगे इसको, ये ऐसे करके चार्ज हो जाएगी। आप अलग अलग बैटरी इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आपको इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटा एक बैटरी पे यूज़ किया है, फिर भी अभी भी वही बैटरी चल रही है। इसका मतलब इसकी बैटरी की एवरेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लेज़र है, ये उसके लिए ये आपको बैटरी का बहुत लंबा टाइम तक आपको बैटरी का ये उपयोग देने वाली है। अब आ जाते हैं हमारे लेज़र लेवलर की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक ओवरव्यू है, मैंने एक अंगूठे पे इसको उठाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसको आपको निकाल के बता देता हूँ कि ये कैसे यहाँ से निकल जाएगा। देखिए ये पहले इसको उठा देना है, यहाँ पर थोड़ा उठ गया, उठ चुका है ये। यहाँ पर इसके नीचे जैसे हम कैमरा फिट करते हैं वैसे ही ये फिट हो जाएगा, पूरा इसका ट्राइपॉड घूमेगा। आप इसको ज़मीन पर भी रख सकते हैं, देख सकते हैं आप, ये मैंने पहले से फिटिंग करके रखा हुआ था। देखिए ये एक लेज़र लेवलर है जो आप ज़मीन पर रख सकते हैं। ज़मीन पर रखने के बाद यहाँ पर ऊपर इसका बाटली का दिया हुआ है, जो हम इसको बाटली लेवलर बोलते हैं, जो एकदम परफेक्ट होता है, जिसके अंदर एक पानी भरा हुआ होता है और एक बूंद होती है खाली वाली, जिससे आप उसको लेवल का भी आप देख पा रहे होंगे इधर उधर हो रहा है ये, मगर ये अभी बिल्कुल स्थिर है, ये एकदम कंफर्म है। और ये जो ट्राइपॉड है इसके अंदर भी आपको बाटली लेवल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी, ये भी बाटली लेवल दिया हुआ है। ट्राइपॉड जो है इसके अंदर आपको उठाने के लिए यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है, 1 फीट तक का ये ऐसे ही उठा देगा यहाँ पर इतना। उसके बाद अगर आपको उठाना है तो नीचे वाले लॉक आप खोलेंगे, पहले मैं आपको हैंडल वगैरह की समझूती दे दूँ पूरा, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट लेज़र लेवलर का समझा दूंगा मैं। ये देखिए पूरा ट्राइपॉड मैंने आपको बता दिया, पूरा ट्राइपॉड हमारा आ गया है। देखिए अब इसकी जो साइज़ है वो भी मैं एक बार आपको बता दूं, कितनी साइज़ है ये,
लेजर लेवलर और ये ट्राइपॉड खुलने के बाद तकरीबन ये आपको पड़ जाएगा 4 फीट का ये आपको पड़ जाएगा। और लेजर लेवलर है ये आपको तकरीबन कितने इंची का है, ये आपका 8 इंची का आपको पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपको टाइल्स वगैरह का काम करना है तो आप इसको ज़मीन पे भी रख सकते हैं टाइल्स के नीचे की शुरू करने के लिए। अगर आपको कंसील वगैरह का काम करना है तो ये भी उसके अंदर आपको बहुत ही उपयोग होने वाला है। खास करके ये वायरिंग, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि वायरमैन इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी जैसा मैं आपको पंखा बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो हमारा पंखा है ये सेंटर में है कि नहीं है वो पता चल जाएगा। ये तो हमने लेज़र लेवलर के बगैर ये पंखे को फिट किया था, मगर जब ये लेज़र लेवलर हम चालू करेंगे तब ये पूरे रूम का सेंटर बताएगा। तो सेंटर बताएगा तब आपको आइडिया आ जाएगा कि ये पंखा सेंटर में है कि नहीं है। तो बड़े बड़े बंगलों के अंदर क्या होता है कि रूम का सेंटर निकालना रहता है पूरे रूम के अंदर, भाई कहीं पर फोटो फ्रेम लगानी है तो आपको बिल्कुल सही एकदम सीधी फोटो फ्रेम लगानी रहेगी, या आपको कहीं पर कोई वायरिंग करनी है तो आपको घीसी वगैरह एकदम सही तरीके से फिटिंग करनी रहेगी। तो ये आपको बहुत ही उपयोगी आने वाला है। खास करके टाइल्स वाले इसको बहुत ही मांग रहे थे, उनके लिए खास रिक्वेस्ट पे आया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये लेज़र लेवलर को आपको चालू करके बता देता हूँ मैं, तो थोड़ा करीब आ जाइए। इसको चालू करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई स्विच नहीं है और कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सिर्फ ये बैटरी है, ये हैंडल है और इसके अंदर की लेज़र है। तो शुरू करने के लिए मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा है इसको पूरा घुमा देना है। ये शुरू हो चुका है, बस इससे क्या होगा कि इसके अंदर की जो गिम्बल जो होता है, जो सेंसर होता है जो ग्रेविटी से चलता है, वो ग्रेविटी का सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही वो सेंसर एक्टिवेट होगा ये पूरा फ्री हो जाएगा, लूज हो जाएगा एकदम, और ये हिलने लगेगा, देख सकते हैं आप नीचे भी लेवल एक की क्लाइड ये अभी नीचे की मैं मेरे कप ये आपको बता देता हूँ मैं, सेंट्रलाइज होने के लिए नीचे भी एक डॉट पड़ रहा है ना, जी जी ये सेंटर हो गया, ये नीचे नीचे से आप सेंटर कर सकते हैं। ये देखिए ये जैसे ही आवाज़ कर रही है अभी मेरे हाथ में, इसका मतलब कि ये बता रहा है कि आप सेंटर में नहीं हो। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रखूँगा सेंटर में आ गया। इतने अगर मैं इसको कैसे घुमा रहा हूँ अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, तुरंत ये बीप पर करेगा। देखिए ये हो, अब मैं क्या करूँगा इसको गिम्बल के ऊपर इसके देखिए आवाज़ कर रहा है। गिम्बल कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगा इसको नीचे उतार देता हूँ। ये आप ऐसे ही कर सकते हैं, उपयोग करना बहुत ही आसान है भाई। क्या है हमारे अब देश में सब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये ज़रूरी है कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काम करने लगे। देखिए यहाँ पर भी नीचे बता रहा है येलो, ये रेड लाइट। अब ये रेड लाइट का मतलब है आके आपका लेवल और बिल्कुल स्थिर है। अब मैं आपको इस तरफ की लाइट कंप्लीट में बंद करके आपको सेंटर करके बताऊंगा, और इसको कैसा उपयोग करना है वो भी मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं मैं। देखिए यहां पर तो दोस्तों ये जो रेड वाला जो लेज़र है इसका खास काम क्या है कि अगर आपने कोई रूम है, रूम के अंदर आपने रूम का फर्श के ऊपर आप कर सकते हैं, तो फर्श के ऊपर अगर आपने नाप के उसका सेंटर ले लिया, आप वही सेंटर के ऊपर यहाँ पर ये वाले रेड वाले सेंटर को रख के पूरे रूम का जो सेंटर होता है उसको निकाल सकते हैं और जो लेवल होता है वो लेवल भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर की जो सिस्टम है ये मैं आपको बता दूँ, ये ऑन ऑफ की स्विच है, यहाँ पर ये बंद हो गई पूरी और ये कंप्लीट लेज़र लेवलर बन हो गई। अब इसके अंदर क्या है, अलग अलग सिस्टम है। सबसे पहले तो आपको सीधा बनाने के लिए आपको एक बार क्लिक करना रहेगा, ये आपको सीधा बताएगा, देख सकते हैं आप ये पूरा सीधा हो गया आपका, ये देखिए ये आपका पूरा सीधा हो गया। उसके बाद अगर आपको क्रॉस वाला भी चाहिए और एक बार बीप करिए तो आपको क्रॉस भी हो गया, ये आपका पूरा क्रॉस हो गया। अब इसके अंदर क्या है, आप काटखूणा लगाएंगे तो आपको कंप्लीट काटखूणा यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको लगानी है तो ये आपको काटखूणा पॉइंट मिल गया, आप उस पॉइंट पे आप काम कर सकते हैं। और ऊपर आप देख पा रहे हैं पूरी लाइन आ रही है, देख सकते हैं पूरी लाइन है ऊपर से नीचे तक, आपको बता रहा है। मैं लाइट बंद कर देता हूँ, देख अब आपको दिख जाएगा ये पूरी लाइन आपको बता दी। दोस्तों देख पा रहे हैं मैंने लाइट को और भी कम कर दिया है, ये पूरा सेंटर यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको ये वाला सेंटर ऊपर चाहिए तो वो भी हो जाएगा। मैं जैसे ही इसको सामने की तरफ कर दूंगा और मैं आपको बता देता, अभी ये मेरे तरफ लाइट है। अभी देखो मैं आपको ऊपर वाला हिस्सा भी बता देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ
ये देखिए चारों तरफ अभी ये मार्किंग हो गया, ये 360 हो गया आपका पूरा। एक बार पूरा पूरा बता दीजिए आप, सामने भी ये स्टॉप हो गया और ये देखिए ये पूरा आपका ऊपर भी सेंटर हो गया। ये देखिए ये ऊपर ऊपर ये ऊपर भी कंप्लीट आपका सेंटर हो गया। ये हमारा फैन के अंदर देखिए ये दोनों एक ही सीध में आ गए, पूरी वायरिंग और पूरी जो लाइन दो रही है बिल्कुल परफेक्ट है। अभी देखिए मेरे मुंह पे ये लेजर आ रही है और ये बहुत ही हाई पावर लेजर है, इतनी लाइट के अंदर भी आपको दिख रही है और ये आपको अपनी साइड वगैरह पे भी ये आराम से दिख पाएगी। अब क्या है, मैं जैसे ही इसको एक इसकी लाइन जो साइड वाली लाइन थी वो बंद हो गई, साइड वाली लाइन चालू हो गई, वापस बंद हो गई, अब ये वर्टिकल लाइन वाली कंप्लीट बंद हो गई। ये कंप्लीट लेजर लेवलर बंद हो चुका है, स्टैंड बाय मोड पे आ चुका है और यहाँ पे हल्का सा बीप हो रहा है। वापस जैसे ही चालू करूँगा ये चालू हो जाएगी और ये कंप्लीट लेजर लेवलर चालू हो गया। आप इसको जहाँ कहीं भी आपको करना हो वो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी मुझे यहाँ पर कांच मेरे सही लगे, हाँ ये मेरे कांच, मैंने अलाइनमेंट इसको सही लिया हुआ है तो मुझे उसको चेक करना होगा। तो मैं कैसे चेक करूँगा, इस वाले ग्लास को मैं पकड़ रहा हूँ, देखिए ये इस ये वाला मैंने पकड़ रखा है, देखिए कंप्लीट है ये यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ, मैं उठा दे रहा हूँ मैं इसको, तो पता चल जाएगा कि सही से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। देखिए कंप्लीट लेवल में आ चुका है ये, देखिए। अब मैं इसको डायरेक्ट निकाल के आपको जमीन पे रख के भी बता देता हूँ एक बार, क्योंकि हमारे व्यूवर्स कहेंगे कि जमीन पे चलेगा कि नहीं चलेगा ये। तो लेजर लेवलर को मैं चालू रखता हूँ और इसको जमीन पे रख के मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं देखिए ये मैंने इसको जमीन पर यहाँ पर रख दिया है और इसके ऊपर रखने के बाद भी आप कहीं पर भी ये कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको और एक डेमो बता दूं, अभी जैसा हमारा ये जो नीचे टाइल्स है, ये टाइल्स वगैरह का मुझे लेवल करना है तो मैं यहाँ पर इसको लेवल करके टाइल्स कर सकता हूँ, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आ गया, जमीन पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आप पूरा लेवल देख पा रहे हैं, कितना सीधा पूरा लेवल चल रहा है, यानी चौड़ा पिलर वहां पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये पिलर का जो अलाइनमेंट है वो आप देखिए बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा ऊपर से देख लीजिए, पूरा बिल्कुल सीधा, पूरा अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा चल रहा है। थोड़ा मुझे इसको इस तरह अलाइन करना पड़ेगा, हाँ ये हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट सीधा हो गया। सेंटर लेना बाकी है, लगाना है किसी को, सेंटर में ले लेता हूँ, ये हमारा सेंटर आ गया, ऊपर देख लीजिए सेंटर बंद करना बहुत ही आसान है, घुमा दिया बंद हो गया। ये जो खास जो लेजर लेवलर है ये पीओपी वालों के लिए वरदान रूप बनने वाला है। अभी क्या है, मार्केट के अंदर, ऑफिस के अंदर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर और बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट के अंदर पीओपी का काम खास चलता है। उसमें क्या होता है कि पीओपी की एसी की कूलिंग बचाने के लिए पीओपी का पूरा सीलिंग बनाना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले आपको दीवार के ऊपर मार्किंग करना रहता है, उसके बाद उसकी जो मेटल की जो शीट होती है, मेटल की जो पट्टी होती है, उसको काट के एक लेवल पे जमाना पड़ता है। उसको ये कैसे उपयोग में आएगा वो मैं आपको बता दूं। जैसे ही मैंने इसको चालू किया, मैं एक लेवल पे इसको रखूंगा, ये पूरा देखिए देख सकते हैं आप, ये पूरा लेवल इसने बता दिया। अगर आपको ये वाला काम नहीं करना है आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं, मैं आपको बता दूं ऊपर तक मैं इसको लेके जाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको ट्राइपॉड पर रख के ये लेवल से मैं उसका आपको एक डेमो देता हूँ। तो पूरा जो स्टैंड है वो मैं इसको खोल देता हूँ। अगर इसको आप ऊपर लटका भी सकते हैं, पीओपी के लिए क्या है, अगर आपको जो हाइट रहती है उसके आपको 8 इंच का पीओपी का लगाना है तो ये आप उसको ऐसे लटका सकते हैं। एक बार आप इसको लटका देंगे तो ये कंप्लीट उसमें लग जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ट्राइपॉड को पूरा खोल देता हूँ तो आपको लेवल का अंदाजा आ जाएगा।
तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, अब ये जमीन से 4.5 फुट करीब ऊंचा हो चुका है। यहाँ से आप पूरा लेवल ले लेंगे, पीओपी वाले भी ले सकते हैं, इसके अंदर ऊपर का भी पूरा लेवल आप देख पा रहे हैं, एकदम सीधा लेवल हमने कर दिया है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो कंप्लीट आप हर तरीके से आप लेवल ले, देखिए यहाँ से मैं लेवल कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे लेवल ये घूमेगा यहाँ पे, ये भी आपका लेवल लेने के लिए आपको दिया हुआ है, आपका लेवल ये देखिए कंप्लीट लेवल। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्वीट बोर्ड के पास लेवल लगा दूंगा, और इसकी रेंज भी बहुत बड़ी है। अगर हम इसको बाहर जाके टेस्ट करेंगे तो बहुत दूर तक इसका जो लेजर की जो लाइट होती है बहुत दूर तक जाती है, हमने टेस्ट किया हुआ है इसको बाहर भी, तो मैं आपको वो भी शायद हो सकेगा तो बता दूंगा कि बाहर भी कंप्लीट आपको बता दूं कि कहां तक ये लेजर की लाइट जा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ये जो हमारा लेजर लेवलर है बहुत ही उपयोगी है, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो किंग टूल सूरत के ऊपर परचेस कर सकते हैं। प्राइस मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्राइस डाला हुआ है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, और किंग टूल सूरत का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर मैं नीचे डाल रहा हूँ। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने इंटरेस्ट है और अगर आप जो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको देखना है, या वो प्रोडक्ट आपको डेमो करवाना है, या डेमो आपको देखना है कैसा उपयोग होता है, कैसे उसमें काम कर सकते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से हमने जरूर बताया। धन्यवाद, थैंक यू। कंप्लीट हमने जो पैराफिट टाइप होती है, जो फुटपाथ टाइप होता है, उसका भी लेवल करके बता दिया है। यहाँ पर देखिए कितना सीधा है ये, ऑलरेडी इतने काम करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। मगर अगर ये भी अगर साथ में उसका सामान हो तो उसको बहुत अच्छा काम उससे कर पाओगे। देखिए सेंटर पॉइंट है, सेंटर ये सेंटर बताओ, थोड़ा उठेगा बस, वो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं। अच्छा हाँ, वो स्टैंड पे नहीं है, स्टैंड पे नहीं है, मोबाइल स्टैंड आया तो मैंने कहते लो मुंह करवा, हाँ हमारा मारे लेवा चले।